क्या बनाया इंस्पेक्टर शमशेरा ने प्लान, क्या दुर्जन को झुकना पड़ा अर्जुन के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट ओशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। करण अर्जुन का पहला पार्ट जो कि 1995 में बना था, उसका पूरा जिम्मा था राकेश रोशन पर। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पार्ट में भी राकेश रोशन पूरी तरह इन्वॉल्व है। हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन से राइट्स लेकर अब आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को बनाएंगे, लेकिन बात ऐसी है कि राकेश रोशन और आदित्य दोनों ही मूवी पर काम करेंगे। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। करण ये नहीं समझ पाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन ने अपनी बात की भी वैल्यू नहीं रखी। अर्जुन से करण वजह पूछता है, तब अर्जुन उसे बताता है कि दुर्जन ने अपनी बेटी से अर्जुन की बहन की शादी करवा दी है और उसके साथ गलत किया है। और साथ ही ये भी कहा कि अगर अर्जुन ने ये जमीन उनके नाम नहीं की तो वो उसकी बहन को जान से नहीं मारेंगे बल्कि उसे हर दिन तड़पाएंगे। करण अर्जुन की सारी बात समझ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चले। अर्जुन करण की बात मान के उसके साथ चले जाता है, जहां वो मिलते हैं इंस्पेक्टर शमशेरा से। इंस्पेक्टर शमशेरा एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला है और वो पूरा केस जानने के बाद अर्जुन को विश्वास दिलाता है कि वो उसकी बहन को बचा लाएगा। लेकिन इसमें अर्जुन और उसकी बहन दोनों को ही उसकी मदद करनी होगी। अगले दिन अर्जुन की बहन उसे मिलने आती है, तब अर्जुन अपनी बहन से कहता है कि वो उसे नर्क से बचा लेगा, लेकिन उसके लिए उसे रॉय कहां जाता है, क्या करता है, सारी खबर अर्जुन को देनी होगी। अर्जुन की बहन मान जाती है। कुछ दिनों तक रॉय जहां जाता है, इंस्पेक्टर शमशेरा उसका पीछा करता है। तभी एक दिन अर्जुन की बहन उसे बताती है कि आज रॉय अपनी दारू की फैक्ट्री पर जा रहा है, जहां शराब इलीगल तरीके से बनती है, और ये मौका बहुत अच्छा है रॉय को पकड़ने के लिए। तभी इंस्पेक्टर शमशेरा रॉय का पीछा करते हुए जाते हैं और पहुँच जाते हैं उस फैक्ट्री पर। वहाँ जाकर वो रॉय को गिरफ्तार कर लेते हैं और दुर्जन उसे छुड़वाने आता है। तब इंस्पेक्टर शमशेरा उसे बेल देने से मना कर देता है। बस फिर क्या था, एक केस से तो वो निकल सकता था, लेकिन अर्जुन की बहन उस पर दो केसेस और लगा देती है। पहले दहेज के लिए मारपीट और दूसरा रेप केस का। अब दुर्जन चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, क्योंकि जितने पैतरे दुर्जन उसे बचाने के लिए लगा रहा है, उतने ही करण अर्जुन उसे जेल में रखने के लिए दे रहे हैं। अब दुर्जन अर्जुन के पास जाता है और कहता है कि अपने केस वापस ले लो, बदले में जो चाहिए वो तुम्हारा है। तब अर्जुन कहता है कि मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है वो मुझे वापस कर दे। अब मजबूरी में दुर्जन अर्जुन की जमीन वापस कर देता है। इसके बदले में अर्जुन की बहन जाकर केस वापस ले लेती है, लेकिन उसके साथ हमेशा दो पुलिस वाले रहते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिले हैं। अब तक सब अच्छा चल रहा है, लेकिन दुर्जन इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं है। वो अब इंतजार कर रहा है कि कैसे और कब वो अपना अगला खेल खेल सके, जिससे जमीन भी उसकी हो जाए और अर्जुन भी उसके सामने भीख मांगने लगे। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।